हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं भी बेहतर हूँ फ्रेंड। आज हम आपके लिए पाकिस्तानी ड्रामा हम तुम के फ़नी मोमेंट लेकर आए हैं, जिसमें हम अहद रज़ा मीर और अमशा खान सारा खान की एक्टिंग को एंजॉय करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहा बाजी, ये चीटिंग है। जल्दी बदतमीजी मत करो, बड़ी बहन हो तुम्हारी। ये अच्छा है, अपनी बारी में तो याद नहीं रहता आपको। और क्या, बड़ी बहन। अरे आदम भाई, दिया नहीं? आपकी कल बर्थडे है ना घर पे? नहीं, किसने कहा? लो जी, टपक पड़ा अब्बा का चमचा। अच्छा बोलो, सुन लेगा वो? सुनता तो सुने ना, क्या चाहिए? दफा हो जाओ यहाँ से। दे आदि बेटा, हैप्पी बर्थडे। आदि आदि कहते हैं ना, कोई ना कोई नुकसान पूरा करके आते हैं। अरे नुकसान कैसा? देखो गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए है? अरे अभी सबके सामने दूंगा, ताकि सबको पता चले तुम्हारा बेरोजगार बाप भी तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। सबसे बड़ा गिफ्ट तो नेहा बाजी ने कराई है, बड़ी मुश्किल से ढूंढना था हमने। अरे भाई तुम लोगों ने सभी दादा खुद ब खुद तो नहीं होगा ना? एक तो यार तुम्हारे मुंह से जब भी सभी दादा सुनते हो ना, मुझे फिल्मों के दादा जैसी फीलिंग आने लगी। और अभी मुझे फीलिंग आ रही है वर्कशॉप वाले छोटू की। यार बड़े राइट्स होते हैं पड़ोसियों के, कभी आओ ना शाम को चाय पे, डिटेल से बताऊंगा। नहीं ओए गुंजू, तमीज से नाम लो मेरे अब्बा का, वरना मक्खी बनाकर तुम्हें बाथरूम की दीवार पे चिपका दूंगी। बड़ी आई सामरी जादूगर की बेटी। ओ नेहा, तुम्हारे अब्बा को सामरी जादूगर कह रहा है? मेरे हेरा, तुम चुप रहो, यहाँ से जाओ, और तुम बेवकूफ निकलो यहाँ से। अच्छा, अब्बा की इंसल्ट करवाकर, अब्बा की डेपो पर सवालिया निशान उठवाकर, अब उस किराए के बंदर को तुम यहाँ से भगवा रहे हो? क्या तरीका है? बेल खराब है और क्या करूं? ये नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, ये इसको ऐसे बजाते हैं, सुनना। वाह नहीं बेल, क्या चेक करो भाई। हाँ अभी रिदम चेक करवाता हूँ ना सर को। हमारा चम्मच वापस करो। क्यों? अली बाबा का खजाना है, हाँ, जो मैं लूट कर लेके जा रहा हूँ। हम पूरे 25 साल की सिल्वर जुबली मनाएंगे आदम सुल्तान। हेलो हेलो, मैं दादू के कमरे में जा रहा हूँ। लो जी, कल से ब्रॉन्ज स्पून से कन्वर्ट होकर सिल्वर स्पून बन जाएंगे ये। तुम इनसे बात करो, बड़ा हूँ तुमसे। ओके सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन 25 साल भी। मुझे पता नहीं था कि ये आपका घर है। अगर मुझे पता होता ना, मैं कभी भी ना आता। दद्दू प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लोग मेरे वालिद को कैसे जानते हो? इनको कौन नहीं जानता, ये टिकटॉक की दुनिया के बेताज बादशाह है, बादशाह। बर्थडे पार्टी में खूबसूरत हसीन लड़कियों के साथ जो आपने डांस किया था, क्या उन लड़कियों के नंबर मिल सकता है मुझे? बताए ना, तुम दे देना प्लीज, तुम दे दे। तुम लोग बहुतान लगा रहे हो मेरे शरीफ बाप पर। आंटी, इतने सुघर बेटे आपने अल्लाह ताला से स्पेशल ऑर्डर पे बनवाए थे क्या? तुम्हें पता है सरमत की दफा तो मैंने सूरह यूसुफ का वजीफा किया था। और आदम की दफा? आदम की दफा तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे घर बेटी पैदा हो। वो टपक पड़ा, सेम हमारे घर की तरह। देखिए अमीनो ऐसे वाली शक्ल बनाई हुई है, और अपनी सल्फ्यूरिक एसिड जैसी शक्ल, क्या ख्याल है? कि पकड़ो अपने पैसे। देखिए वाह, भूल गए, रात ही तो ताजा ताजा लात मारी थी तुमने हातिम ताई की कब्र में। दिखाओ कहीं चोट तो नहीं आई? वो मेरा और सर का मामला है, ठीक है? अपने और अपने सर की अंडरस्टैंडिंग करो ना, किसी और के सामने जमाना। और नेक्स्ट टाइम मेरे मामले में दखल अंदाज देकर अपने पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश मत करना। ओ महा, अपने पीछे जिंदा लाशें तो देखो। ये कैसे हुआ? अब दोबारा तो नहीं गिरा सकते ना, हो सकता है हड्डियाँ टूट जाए। कमर टूट गई है। खुदा का खौफ करें, कौन करवाता है इतना मुश्किल एक्सरसाइज? मुश्किल नहीं था, ये था बस, ये था। हालांकि मेरी नजरें उनकी बेटी पर हैं। क्या कहा तुम नेहा? कुतुबुद्दीन पर नजर रखे बैठे हो, पागल तो नहीं हो गए? हाँ हो गया, पता नहीं क्या, बस दिल नहीं मान रहा कि वो कहीं दूर चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी। यार जाओ जाके इजहार करो अपने प्यार का। नहीं यार, मेरी इज्जत का फलूदा बनाकर रहती है, सारी रात एक टांग पर खड़ा रहूं ना फिर भी नहीं मानेगी मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम चला लो, उतरो नीचे। तुम्हारे अंदर बर्दाश्त नाम की कोई चीज है? नहीं, लड़कियों में ना इतनी डिडायची नहीं लगती। हर चीज में जेंडर को मत घुसाया करो, जो चीजें लड़कियों के लिए गलत है वो लड़कों के लिए भी गलत है। वाओ, बहुत ही मज़ेदार ड्रामा है, खासकर इसमें एक्टिंग सारा खान, रमशा खान और अहद रज़ा मीर की एक्टिंग बहुत ही कमाल की है।
और रमशा खान की तो स्पेशल, क्योंकि रमशा खान को इससे पहले हमने इश्किया में देखा था जिसमें ये बहुत ही सीधी सादी सी लड़की बनी थी, और इसमें तो ये बहुत ही चुलबुली और शरारती लड़की बनी है। इस ड्रामे में जो सिबलिंग सिस्टर की नोकझोंक और प्यार भरी केमिस्ट्री दिखाई गई वो भी बहुत कमाल की है। और हमें इस ड्रामे की एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि इसमें रमशा खान को बहुत ही चुलबुला शरारती दिखाया गया, लेकिन साथ ही बहुत ज़िम्मेदार भी दिखाया गया है। और ये ज़रूरी भी नहीं कि जो शरारती है चुलबुला है वो ज़िम्मेदार नहीं हो सकता, वो भी ज़िम्मेदार हो सकता है। सिर्फ सीधे साधे लोग ही ज़िम्मेदार नहीं होते, हर तरह के लोग ज़िम्मेदार हो सकते हैं। इसके अलावा लोग और ड्रेसिंग की बात की जाए तो वो तो माइंड ब्लोइंग है ही है। लुक और उसका मेकअप, उसकी ड्रेसेस बहुत ही ज़बरदस्त हैं इस ड्रामे की, सभी की ओवरऑल बहुत हिट हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। और ये ड्रामा आपने अभी तक देखा या नहीं ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज़रूर देखें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।